सो आंवले से बनी ये होम्योपैथिक मेडिसिन बालों के लिए सुपर फूड है। ये बालों को काले, घने, लंबे और मज़बूत बनाती है। हेयर ग्रोथ में और रीग्रोथ में बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल है। एंड बिना किसी कैरेटिन ट्रीटमेंट के ये आपके बालों में नेचुरल शाइन यानी कि नेचुरल चमक ऐड करती है। हेलो नमस्कार एवरीवन, दिस इज़ डॉक्टर अरवा बोहरा। वेलकम और वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आई होप यू गाइस आर डूइंग वेल एंड ऑल आर हैप्पी एंड सेफ। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे बहुत इफ़ेक्टिव होम्योपैथिक मेडिसिन फॉर हेयर फॉल, हेयर लॉस, हेयर रीग्रोथ एंड बालों से जुड़े कुछ बहुत इंपॉर्टेंट कंसर्न्स में ये मेडिसिन बहुत इफ़ेक्टिव है। आंवले से इस मेडिसिन को तैयार किया जाता है जिसे सदियों से यूज़ किया जा रहा है स्किन कंसर्न्स को सॉल्व करने के लिए एंड हेयर कंसर्न्स को सॉल्व करने के लिए। तो दवा कौन सी है, इसके बेनिफिट्स क्या हैं, इसके इंडिकेशंस क्या हैं, कैसे आपने इसे लोकली अप्लाई करना है, कैसे ओरल यूज़ करना है, ये सारी डिटेल मैं आपको इस वीडियो में दूंगी। तो अगर आप हेयर कंसर्न से, किसी भी प्रकार के हेयर कंसर्न से सफ़र कर रहे हैं और ये वीडियो पर आपने क्लिक किया है तो इसे एंड तक ज़रूर देखिएगा, आपके ज़रूर काम आएगी ये वीडियो। एंड ऑफ कोर्स अगर मुझसे पहली बार मिल रहे हैं या मेरी वीडियो फर्स्ट टाइम देख रहे हैं तो नीचे जो सब्सक्राइब बटन है उसे हिट करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। घंटी के आइकन को प्रेस करना बिल्कुल मत भूलिएगा, उससे आपको नोटिफिकेशंस मिलेंगे। बिना देर किए आज के इस वीडियो को भी अब हम शुरू कर लेते हैं। तो दोस्तों, आंवला या इंडियन गूसबेरी कैल्शियम का एंड विटामिन सी का बहुत रिच सोर्स है बालों के लिए। इसे हम सुपर फूड भी कहते हैं, सुपर फूड फॉर हेयर्स कहा जाता है आंवला को। एंशियंट टाइम से इसे स्किन के कंसर्न्स को सॉल्व करने के लिए और बालों की समस्याओं को सॉल्व करने के लिए या बालों की ओवरऑल हेल्थ को मेंटेन करके रखने के लिए यूज़ किया जा रहा है। आज की इस वीडियो में इसी आंवला से बनी होम्योपैथिक मेडिसिन के बारे में हम बात करेंगे जिसका नाम है एम्ब्लाइका ऑफिसिनेलिस मदर टिंचर। पिक्चर में यहाँ साइड में ऐड कर रही हूँ, अच्छी तरह से आप देख लीजिए। एम्ब्लाइका ऑफिसिनेलिस जो है ये आंवला से मेडिसिन को प्रिपेयर किया जाता है। बहुत इफेक्टिव होम्योपैथिक मेडिसिन है, इसका स्फीयर ऑफ एक्शन बहुत अच्छा है। बहुत सारे कंप्लेंट्स में इसे प्रिस्क्राइब किया जाता है और बहुत अच्छे रिजल्ट मिलते हैं। कुछ जनरल कंप्लेंट्स के बारे में अगर हम डिस्कस करें तो विटामिन सी का सोर्स है जैसा मैंने बताया, तो इम्यून सिस्टम को मजबूत बनाने के लिए ये बहुत इफ़ेक्टिव होम्योपैथिक मेडिसिन है। सेकंड, इसे यूज़ किया जाता है टूथ और गम्स के प्रॉब्लम में, बहुत अच्छी तरह से ये काम करती है। थर्ड, स्किन कंप्लेंट्स में, स्पेशली स्किन इरीटेशन में, स्किन रैशेज में विथ इचिंग, खुजली के साथ वाले जितने भी होते हैं, एंड रिकरेंट स्किन इन्फेक्शंस को क्योर करने के लिए भी एम्ब्लाइका ऑफिसिनेलिस को प्रिस्क्राइब किया जाता है। इसके अलावा बालों के कंसर्न के लिए ये हम एम्ब्लाइका ऑफिसिनेलिस को प्रिस्क्राइब करते हैं लोकल एप्लीकेशन के लिए, ओरल यूजेज के लिए। आज की इस वीडियो में हम बात कर रहे हैं एम्ब्लाइका ऑफिसिनेलिस की हेयर बेनिफिट्स के बारे में। तो सबसे पहले पांच हेयर बेनिफिट्स इसके जानते हैं, उसके बाद बात करेंगे कि कैसे आप इसे यूज करें। सो द फर्स्ट बेनिफिट इज इट प्रमोट्स हेयर ग्रोथ। बालों के ग्रोथ को बढ़ाने के लिए ये मेडिसिन बहुत इफेक्टिव है, चाहे आप लोकल एप्लीकेशन में इसे यूज करें चाहे ओरली लें। सिर्फ लोकल एप्लीकेशन भी अगर आप यूज़ करते हैं तो ये बालों की ग्रोथ को बहुत इफ़ेक्टिवली बढ़ाती है, स्कैल्प को नरिश करती है। सेकेंड, अगर आपको हेयर लॉस इतना ज़्यादा हो गया है पास्ट में और बाल्डनेस हो गई है या हो रही है धीरे धीरे, चाहे मेल हैं चाहे फीमेल हैं, तो उसको ठीक करने के लिए मेडिसिन बहुत इफ़ेक्टिव है। नेक्स्ट बेनिफिट इज़ ये बहुत ही अच्छा कंडीशनर है आपके स्कैल्प के लिए, आपके बालों के लिए। द नेक्स्ट अमेजिंग बेनिफिट इज़ इट मिनिमाइजेज द प्रीमेच्योर ग्रेइंग ऑफ हेयर। अगर आपके बाल उम्र से पहले सफ़ेद हो रहे हैं या अगर ग्रेइंग हो रही है तो ये उसको वहीं स्टॉप करती है। अगर प्रीमेच्योर ग्रेइंग हो रही है तो उसको रिवर्स करने में स्टॉप करती है, फिर रिवर्स करने में हेल्प करती है। इट इंक्रीजेस वॉल्यूम ऑफ योर हेयर्स एंड इंक्रीजेस द डेंसिटी ऑफ योर हेयर्स। अगर आपके बाल इतने ज़्यादा झड़ते हैं किसी भी कारण से, कोई मेडिकल कंडीशन है, हार्मोनल इम्बैलेंस है, या फिर पोस्टपार्टम हेयर लॉस है, डिलीवरी के बाद जो होता है, कोई भी कारण से आपके बाल इतने ज़्यादा झड़ गए हैं कि आपका जो ओवरऑल डेंसिटी है बालों की वो कम हो गई है, स्कैल्प दिखने लग गई है, तो ऐसी कंडीशन में ये आपके बालों की डेंसिटी को बढ़ाने में हेल्प करती है। द नेक्स्ट बेनिफिट इज़ इट रिड्यूसेस डैंड्रफ एंड एसोसिएटेड इचिंग। अगर आपको डैंड्रफ का प्रॉब्लम है, चाहे कैसा भी डैंड्रफ है, क्रॉनिक है या ओकेजनल होता है,
है, सिर्फ विंटर्स में होता है या मॉनसून में होता है, तो ऐसे डैंड्रफ को ये ट्रीट करती है, डैंड्रफ को क्लियर करती है, आपके स्कैल्प को क्लियर करती है, हेयर्स को क्लियर करती है, और साथ में अगर डैंड्रफ के साथ अगर आपको इचिंग भी होती है, फ्लेकीनेस होती है, खुजली आती है बहुत ज़्यादा स्कैल्प में, तो उसमें भी ये आपको रिलीफ प्रोवाइड करेगी। ये आपके बालों में नेचुरल शाइन को ऐड करती है। एम्ब्लाइका ऑफिसिनेलिस आप अप्लाई करोगे तो आप देखोगे कुछ दिन के बाद आपके जो बाल हैं वो एकदम सॉफ्टियर, मैनेजेबल और शाइनी हो जाएंगे, जैसे कि कैरेटिन ट्रीटमेंट के बाद दिखते हैं। और जो उनका फ्रिज है, अगर फ्रिजी हैं आपके बाल, मैनेजेबल नहीं है, तो वो फ्रिज जो है बिल्कुल हट जाएगा एंड बाल आपके बहुत स्मूथ और मैनेजेबल हो जाएंगे। अब बात करते हैं कि आप एम्ब्लाइका ऑफिसिनेलिस यूज़ कैसे करेंगे। सो मैंने पिक्चर जो ऐड करके रखी हुई है आप देख लीजिए। एम्ब्लाइका ऑफिसिनेलिस मदर टिंचर फॉर्म में आपको यूज़ करना है, चाहे ओरल लें चाहे लोकल एप्लीकेशन के लिए। सबसे पहले हम लोकल एप्लीकेशन के लिए बात करते हैं कि आपको लगाना किस तरह से है। तो आप इसे हेयर ऑयल की तरह अगर अप्लाई करेंगे तो आपको बहुत अच्छे रिजल्ट मिलेंगे। तो एम्ब्लाइका ऑफिसिनेलिस आप किसी भी लोकल होम्योपैथिक स्टोर से ले आइए, आपको बहुत आसानी से मिल जाएगी। मैं WSI की यूज़ करती हूँ, विल्मर श्वाबे का एम्ब्लाइका ऑफिसिनेलिस। अब आपको ये मदर टिंचर लेकर आना है और इसे मिक्स करना है कोकोनट ऑयल में। कोकोनट ऑयल में आप मिक्स कर सकते हो, या फिर अगर आप आमंड ऑयल यूज़ करते हो तो उसमें मिक्स कर सकते हो, या फिर अगर आप ऑलिव ऑयल यूज़ करते हैं तो आप उसमें भी मिक्स कर सकते हैं। मिक्स कैसे करना है, तो जिस तरह से हम जैबरिंडी को मिक्स करने के लिए एडवाइस करते हैं, सेम वैसे ही आपको एम्ब्लाइका ऑफिसिनेलिस भी मिक्स करनी है 50:50 के रेशियो में। 50 ml कोकोनट ऑयल ऐड कर लीजिए, अपने पसंद का कोई भी ऑयल ऐड कर लीजिए, प्लस 50 ml उसमें आप पूरा एम्ब्लाइका ऑफिसिनेलिस ऐड कर दीजिए। अच्छी तरीके से कैप करिए और बहुत अच्छे से उसे शेक कर लीजिए। ये आपका ऑयल जो है रेडी है यूज़ करने के लिए। इसे आप डेली, अगर रूटीन में तेल लगाते हैं अपने बालों में तो डेली भी लगा कर रख सकते हैं। अगर आप हेड वॉच से एक घंटा पहले लगाते हैं तो वैसा भी लगा सकते हैं। हेड वॉच से एक रात पहले लगाते हैं तो वैसा भी यूज़ इसे कर सकते हैं आप। आफ्टर 3-4 यूजेज आप देखेंगे आपके बालों में डिफरेंस, और आपके जो बालों का टेक्सचर है वो बहुत वेरी फर्स्ट यूज़ से ही चेंज होने लग जाता है, एंड जो कंसर्न्स हैं वो धीरे धीरे सॉल्व होने लग जाते हैं। लोकल एप्लीकेशन के साथ साथ इसे ओरली भी यूज़ कर सकते हैं। जो इसका डोजेज है वो 10-15 ड्रॉप्स इन हाफ कप ऑफ वाटर दिन में 2 बार आपने इसे कंज्यूम करना है। पहले आप 30-40 डेज़ के लिए लीजिए, उसके बाद अकॉर्डिंगली आप इसे कंटिन्यू कर सकते हैं। तो दोस्तों, ये थी मेडिसिन एम्ब्लाइका ऑफिसिनेलिस मदर टिंचर, जिसे आंवले से प्रिपेयर किया जाता है, और बालों की समस्याओं के समाधान के लिए ये बहुत ही इफेक्टिव होम्योपैथिक मेडिसिन है। दोस्तों, आज की इस वीडियो में इतना ही। आशा करती हूँ ये वीडियो आपको पसंद आई होगी और ज़रूर आपके काम आएगी। इफ़ यू गाइज फाउंड दिस वीडियो यूजफुल, प्लीज़ गिव इट अ थम्स अप। ऑल्सो डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माई चैनल। आई विल मीट यू ऑल इन माई नेक्स्ट वीडियो। टिल देन, स्टे हेल्दी, स्टे हैप्पी, स्टे सेफ, टेक केयर ऑफ योर सेल्फ एंड योर फैमिलीज। लव यू ऑल, बाय।